नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप सभी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत मेष राशि के साथ करते हैं और जानेंगे होली का दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण सभी की मदद करते हुए नजर आएंगे। आपके भाई बहनों में से कोई आपसे पैसा उधार मांग सकता है, वहीं दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करने से आप बचें। और अब बात करते हैं वृष राशि की। आप अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आप सारे दिन ऊर्जा में रहेंगे। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपका दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जातक खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपकी तंदुरुस्ती को बनाए रखेगा। आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोच विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे होली का दिन यानी कि 8 मार्च का दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आप अपनी नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त कर काफी खुश नजर आएंगे। पेचीदा हालात में फंसने पर घबराएं नहीं, परिवार का सहयोग मिलेगा। सभी परिवार वाले मिलकर एकजुट होकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा से शुरू करने में कामयाब रहेंगे। आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। दोस्तों का रुख सहयोग रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं तुला राशि की और जानेंगे होली का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी कर रहे जातक कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अचानक आए खर्च आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत की चिंता वजह बन सकती है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिवार का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आप काफी सारी चीजें सीखेंगे जो आपके आने वाले समय में काम आएगी। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर से सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि की और जानेंगे होली का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन आपका मिलाजुला रहने वाला है। परिवार में चली आ रही अनबन के कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। कार्य क्षेत्र में भी वरिष्ठों का दबाव आपको परेशान करेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि की। आपको कोई शुभ विचार सुनने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। धन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। करीबी दोस्त और साझेदारी नाराज होकर आपकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन आप आत्मविश्वास में भरपूर रहेंगे। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करके अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे, जिससे आप अपने सभी रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। औरों की भी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। परिवार में किसी की सेहत में उतार चढ़ाव लेकर आप परेशान दिखेंगे। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की और जानेंगे होली का दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए खूब मेहनत करते हुए नजर आएंगे। गुरुजनों की भी सहायता लेंगे। जो युवा घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें परिवार की याद सता सकती है। विदेशों से आयात निर्यात का कार्य कर रहे जातकों को शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। सफलता करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट आएगी। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।